Hi friends, this is your chatterbox Juhi and you guys are watching Hathaway BTV हुआ क्योंकि इसे माना we the youngsters का well बचपन में हमने एक कहावत पढ़ी है कि कुछ भी हासिल करना हो तो कैसे भी करना चाहिए साम दाम दंड भेद सभी तरीकों से विजय हासिल हो जानी चाहिए बस you know motto ये होना चाहिए वैसे इस topic को लेकर एक नई serial आ रही है जो Star Bharat लेकर आ रहा है और जिसकी main lead actress मेरे साथ में अभी Sonal Vengurlekar तो सबसे पहले तो welcome है city में and First time you're in Indore. How's the feeling? Very nice, very clean city, and बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर. बहुत अच्छा feel हो रहा है. So एक ऐसी पृष्ठभूमि पे बसी हुई कहानी है ये, जहाँ पे अलग tactics use हो रही है काम को कराने की. Normal इंसान अगर काम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो छोड़ देता है कि चलो कोई नहीं, अब हो गया, नहीं हो रहा है. But यहाँ पे नाम ही है साम दाम दंड भेद. क्या ये चारों चीज़ें हमें सीरियल में आने वाले एपिसोड्स में दिखाई देंगी? जी डेफिनेटली, बिकॉज हमारे जो शो में जो विजय का कैरेक्टर कर रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि जाने अनजाने ना चाहते हुए भी उनसे अनजाने में गलत काम करवाया जाता है और उनको उस चीज़ का बहुत पछतावा है. अब उस चीज़ की रियलिटी को फाइंड आउट करने के लिए पहले तो सही तरीका यूज़ करते हैं, सही तरीके से नहीं होता तो दंड देते हैं, फिर दाम देते हैं, फिर कुछ नहीं हुआ तो फिर भेद. तो ये सारी चीज़ें आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने मिलेंगी. और उसके अलावा जो हमारे जो प्यार वाला एंगल है वो भी हम कैसे, मतलब पता नहीं कि ये सारी चीज़ें हो पाएंगी सही विजय और मंदिरा के बीच में. तो ये पूरा जो ट्विस्ट है वो हमारे आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने मिलेगा. एक बात बताइए, जब आप इतने मेन क्रूशियल टॉपिक को लेते हैं और आप इस तरीके के टॉपिक को डील करते हैं तो उस समय आप लव इंटरेस्ट कैसे दिखाएंगे सीरियल में? मींस क्या वो सिचुएशन होगी? क्योंकि ऑब्वियसली इंसान की पर्सनल लाइफ तो होती ही है अगर वो प्रोफेशनली भी चीज़ों को साम दाम दंड भेद से ले, पर पर्सनल लाइफ में और प्यार में तो ये चारों ही चीज़ें नहीं चलती. तो आपके साथ ट्रीटमेंट क्या विजय का अलग रहेगा मंदिरा के साथ और किस तरीके से वो दो जीवन जिएगा? जैसे अभी लोगों ने अगर फॉलो किया होगा शो तो ये दिखाया है कि शुरुआत में जब विजय मंदिरा से मिलता है तो उसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है उसे, कि किसी बिंदास टाइप की लड़की, बिल्कुल बेझिझक, एकदम किसी से डरती नहीं है. सो उसके उस अंदाज से उसको प्यार हो जाता है. वो ये उसने अभी तक उसको ये पता नहीं है कि वो कौन है, क्या बैकग्राउंड है उसका. लेकिन उसको ये तब पता चलता है जब उसके भैया की मौत हो जाती है. तो कहीं ना कहीं उसको ऐसे लगता है कि कहीं ये CM की बेटी है, यही तो रीज़न नहीं कि मेरे फैमिली के साथ ये सब कुछ हो रहा है. तो बहुत कंफ्यूजन में चला जाता है. अब ऐसे में विजय क्या करेगा? वो अपने प्यार का साथ देगा या फिर वो अपने भैया की मौत का बदला लेगा? अब इस सब में मंदिरा वो CM की बेटी होने के बावजूद क्या विजय जैसे एक नॉर्मल इंसान को सपोर्ट करेगी या नहीं? तो हमारी कहानी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, बिकॉज हमारे शो के जो विलन है पंकज चौधरी, जिन्होंने विजय के भैया को मारा है, वो मेरे अंकल है. तो मतलब मेन विलन है CM, तो सब कुछ उनसे ही रिलेटेड हो रही है. और जब आपको मतलब ये पता चल जाए कि आपका जो लवर है वो आपके दुश्मन की बेटा है या बेटी है, तो बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हो जाती है. ऐसा दिल और दिमाग के बीच में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि दिल कह रहा है कि बंदी अच्छी है, प्यार तो है, और दिमाग कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र है. इसकी मंदिरा हर तरीके से कोशिश करेगी विजय को सपोर्ट करने की, अपने पापा के अगेंस्ट जाकर भी कोशिश करेगी, बट स्टिल कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनकी फैमिली का एक फादर फिगर जो नहीं रहे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कंफ्यूज्ड ही रहेगा. तो अभी आपको कैसे मिला ये रोल सोनल? कितना आप कनेक्ट करती हैं मंदिरा के रोल से भी, कि मंदिरा जैसी चुलबुली मस्त है, क्या सोनल भी ऐसी है? और रोल कैसे मिला, कैसे ऑडिशन था, क्या क्या वो एक गो थ्रू चैनल था जिसके थ्रू आपको ये रोल मिला? नहीं, एक्चुअली सेम प्रोडक्शन हाउस शकुंतलम का शो कर चुकी हूँ मैं लास्ट शो शास्त्री सिस्टर्स, एंड शास्त्री सिस्टर्स के बाद यही शो उनका फर्स्ट शो है. सो मुझे कोई फ़ोन नहीं आया था ऑडिशन के लिए. मैं अपने फ्रेंड्स से सुन रही थी कि शकुंतलम में ऑडिशन चल रहा है, तो मैंने सामने से फ़ोन किया. मैंने बोला कि आप लोग ऑडिशन कर रहे हो, मुझे नहीं बुलाया आप लोगों ने? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा जो आप ना शायद मैच पहले, एक्चुअली ये कैरेक्टर कुछ और होने वाला था, मैं चोर कैरेक्टर था, सो उनके हिसाब से मैं काफ़ी यंग थी. मैंने बोला एटलीस्ट एक बार मैं ऑडिशन दे देती हूँ, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना. ऑडिशन मैंने कुछ और कैरेक्टर के ले दिया था, देन पूरा स्टोरी चेंज हुआ. एंड देन हमने काफ़ी लुक टेस्ट किए, वर्कशॉप किए, तो उनको लगा कि उनके पास भी डेफिनेटली ऑप्शंस होंगे. बट एक वो चीज़ भी हो जाती है ना कि
हम पहले काम कर चुके हैं, उसके अलावा कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे इतने बड़े प्रोजेक्ट में वो, तो उनको लगा होगा कि मैं सही हूँ मैं, जबकि इन रियल भी काफ़ी बिंदास टाइप की हूँ. बिंदास, हाँ बिंदास इन द सेंस ये नहीं कि मैं किसी को भी मारने लग जाती हूँ, ये कि मतलब मेरे सामने अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं वो फेक स्माइल देके या कुछ ऐसे कवर अप नहीं कर सकती, मैं बोल देती हूँ. इन रियल भी मैं, यू वेरी इन शॉर्ट यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एज मंदिर आइज ऑल्सो, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक दैट थिंग. हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि आजकल हम लोग जिस इंडस्ट्री में है या नॉर्मली भी, अगर मैं आपसे अभी थोड़ा सा एटीट्यूड में बात करूँ तो आप मुझे एक सेकंड में जज कर लोगे. तो लोग एक सेकंड में जज कर लेते हैं, इसीलिए हम लोगों को फेक स्माइल और हाँ जी करना पड़ता है. बहुत कम लोग होते हैं जो आपके नेचर को समझ पाते हैं. या सो दिस इज सैड फॉर बी टीवी यू आर, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू ऑल द यंगस्टर्स ओवर देयर, मे बी अ जनरल मैसेज फ्रॉम सोनल साइड. मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैं ऐसे तो किसी को नहीं बोलूँगी कि आप हमारा शो देख के पॉलिटिशियन बन जाइए या कुछ भी. जस्ट इन रियल लाइफ कभी कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि जब आप कुछ गलत नहीं भी करते लेकिन आप गलत साबित हो जाते हैं. अगर आपके अंदर सच्चाई है, अगर आपकी चीज़ आप सही चीज़ के लिए खड़े हैं तो भले वक्त लगेगा लेकिन आप उसके लिए, उसको प्रूव करने के लिए वो कोशिश करें, क्योंकि सच्चाई की कभी हार नहीं होती. देर से आती पर आ जाती है. सो थैंक यू सो मच सोनल, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरेक्टर एंड मे आपकी सीरियल को TRPs की हाइट्स मिले. थैंक यू सो मच.